हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो अभी तक हमने ट्यूटोरियल नंबर 28 यानी कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाला था, जो कि पाइथन में बहुत ही आईएमपी वाला था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर वो नहीं देखा आपने तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको जो आज का ट्यूटोरियल नंबर है 29 इनहेरिटेंस इन पाइथन वो समझ में आएगा। वरना आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में उस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नया नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 29 पाइथन इनहेरिटेंस। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सीधा मैं यहाँ पे आ गया हूँ हमारी पाइथन नोट्स पे, जो कि आप सबको पता है मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रहा हूँ, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में एकदम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी नोट्स। ठीक है, तो अभी तो कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, पाइथन इनहेरिटेंस है क्या है, मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अगर जावा पढ़ रखी है तो आपको पता ही होगा कि इनहेरिटेंस मतलब उसमें चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि दो क्लास होते हैं, जो पहला क्लास है वो पेरेंट क्लास, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो मेथड्स है, वो सभी हम डिराइव करते हैं अगले क्लास में, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। तो अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी डिराइव करनी है, मेथड डिराइव करनी है तो कर सकते हैं, नहीं करनी है तो हम नया क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास डेट इनहेरिट ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस આપણને શું અલાઉડ કરે છે કે બીજા ક્લાસની આપણે પ્રોપર્ટી અને મેથડને આપણે યુઝ કરી શકી। ઠીક છે, જેમ જેમ વિડિયોમાં આગળ વધતા જશો એમ ખબર પડતી જશે કે શું કોન્સેપ્ટ છે, કેવી રીતના છે। ઠીક છે, તો અત્યારે કઈ બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી। તો અહીંયા લખ્યું છે પેરેન્ટ ક્લાસ, એનું બીજું નામ છે બેઝ ક્લાસ, અને ચાઇલ્ડ ક્લાસ એનું બીજું નામ છે ડિરાઈવ ક્લાસ। ઠીક છે, તો પહેલા તો યહાં પે ઉસને ક્યા કિયા વો હમ દેખ લેતે હૈં। યહાં પે એક ક્લાસ ક્રિએટ કિયે ક્રિકેટ કે નામ સે। ठीक है, उसमें इनिट वाली मेथड दे रखी है, जो कि मैंने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इनिट मेथड क्यों करनी है, उसका काम क्या है, क्या है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, मैं जुपिटर में आ गया हूँ, यहाँ पे हम नई एक पाइथन 3 की नोटबुक ओपन कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक नई पाइथन की नोटबुक है, एक टैब में क्लोज कर देता हूँ। अभी पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको रीडिंग करते समय आसानी रहे। ट्यूटोरियल नंबर 29 और नाम है उसका इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, हो गया। अभी क्या किया है वो सब हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक तो उसने क्लास डिक्लेयर किया है क्रिकेट के नाम से। अभी उसमें क्या किया है, तो उसमें यहाँ पे इसने क्या किया है, पहले तो इनिट फंक्शन दी है नेम और रन को लेके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ def underscore underscore init underscore underscore, और ब्रैकेट्स में क्या देना होता है तो आप सबको पता है, पहले सेल्फ देना होता है, फिर हमें जो भी कुछ चाहिए। तो हमने यहाँ पे नेम और रम, नहीं रम विस्क हो जाएगा, हमने यहाँ पे रन दे दिया। ठीक है, अभी उसने उसमें क्या किया है, तो ये तो आपको पता ही है ये क्यों लिखा जाता है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, मैंने अगले वीडियो में दिखाया है, सेल्फ डॉट रन इक्वल टू क्या हो गया रन। अभी और एक यहाँ पे उसने मेथड डिक्लेयर की है जिसका नाम है प्लेयर। ठीक है, तो हम वो भी कर लेते हैं, बैकस्पेस आ जाते हैं, यहाँ पे def कर देते हैं प्लेयर, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, हो गया। ठीक है, अभी प्लेयर में उसने कुछ भी पैरामीटर दिया है देख लेते हैं, सेल्फ तो देना ही होता है तो सेल्फ दे दिया, और कुछ नहीं दिया तो हम भी यहाँ पे सेल्फ दे देते। धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पे, लेकिन ये तो जो क्लास वाला कॉन्सेप्ट था लास्ट ट्यूटोरियल में वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। ठीक है, अभी उसमें दो प्रिंट करवाए हैं स्टेटमेंट के, नेम इज दिस एंड स्कोर इज दिस, तो हम भी वह कर लेते हैं कि भाई प्रिंट और क्या दे देते हैं, नेम इज प्लस करके, नेम किस में स्टोर होने वाला है नेम में, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, उसी तरह प्रिंट क्या होगा, तो कि उसी तरह हमें प्रिंट करवाने हैं रन, तो कि रन इज और यहाँ पे प्लस क्या मैं दे दूंगा सेल्फ डॉट रन, तो ये हमने तो लास्ट ट्यूटोरियल में किया हुआ ही है। ठीक है, वही है। अभी उसने एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स क्या है, वो सभी मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिया है, तो वहां से आप वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो A1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें दो वैल्यू दी है, तो हम भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, तो कि हमें करना है A1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिकेट क्लास के लिए, उसमें दो वैल्यू दी है, नेम मान लो मैंने दे दिया रोहित, नेम के लिए हमें चाहिए सिंगल इनोटेड या डबल इनोटेड कोमा, फिर कोमा करके मैंने रन दी दिए 150। ठीक है, फिर उसने क्या किया है, तो एक और जो प्लेयर मेथड है उसको कॉल किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, A1 डॉट प्लेयर, ये हो गया प्लेयर मेथड को कॉल। अभी मैं इतना करके मान लो रन करता हूँ तो क्या आया, तो कि नेम इज रोहित आया, लेकिन एक और एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे हमें कॉन्केटनेट यानी कि ये जो रन है वो तो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, और सेल्फ डॉट रन है वो तो रन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो हम यहाँ पे मान लो कोमा कर देते हैं। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कोमा करेंगे तो चलता है कि नहीं वो भी देख ले, तो कोमा यहाँ पे चलता है, लेकिन प्लस किसके लिए यूज होता है, मैंने पहले बताया है, प्लस सिर्फ दो स्ट्रिंग को कॉनकेट यानी कि छोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये सब भी अभी हो गया। अभी मान लो मैं इसको कमेंट दे देता हूँ और रन करता हूँ, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगी क्योंकि कोड में एरर है ही नहीं, लेकिन आउटपुट भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लेयर वाली जो मेथड थी उसको तो हमने कॉल किया ही नहीं है। ठीक है, जब हम यहाँ पे कमेंट आउट करके प्लेयर वाली मेथड को कॉल करेंगे तभी हमारा आउटपुट आने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो सिंपल क्लास वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम आते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि हमें चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है जो कि पेरेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज और मेथड है उसको इनहेरिट कर सके, इनहेरिट मतलब उसको अपनाना। ठीक है, तो हमें हमने यहाँ पे उसकी सिंटेक्स क्या है, मैंने यहाँ पे दी हुई है कि क्लास तो वही मेथड से डिक्लेयर करना है, सिर्फ ब्रैकेट में पेरेंट क्लास का नाम लिख देना है। कैसे, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, क्लास हमें डिक्लेयर करना है टेस्ट मैच के नाम से, तो मैंने यहाँ लग दिया टेस्ट। अभी यहाँ देखो क्रिकेट वाले क्लास में ब्रैकेट में हमने कुछ नहीं दिया था, लेकिन टेस्ट वाले में हम ब्रैकेट में दे देते हैं क्रिकेट, यानी अब हम जो क्रिकेट वाले क्लास है उसकी सभी मेथड और प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास दो मेथड है, एक तो इनिट वाली और एक प्लेयर वाली, यही दोनों मेथड का यूज हम कर सकते हैं अभी टेस्ट क्लास के अंदर भी, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल दे देता हूँ पास स्टेटमेंट क्योंकि हमें उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो कि उसका टेस्ट का ऑब्जेक्ट एक बनाया है B1 नाम से, क्या नाम से, B1 नाम से टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसमें मान लो मैंने दो वैल्यू दे दी, एक तो दे दिया गिल और कॉमा करके उसको रन दे दिए 80। अभी मैं इसको रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, और फिर क्या किया है, तो कि प्लेयर वाली मेथड को भी उसने कॉल किया है, तो मैं B1 का यूज करके प्लेयर वाली मेथड को भी कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको जब भी रन करता हूँ तो देखिए क्या आया, नेम इज गिल और रन इज 80, हालांकि हमने नेम इज गिल और 80 है वो तो हमने टेस्ट वाले क्लास में दिया है ना, टेस्ट वाले क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है B1 नाम से उसमें हमने पैरामीटर दिए है गिल और 80, फिर भी वो रन कौन सी मेथड कर रहा है, प्लेयर वाली जो कि क्रिकेट वाले क्लास में है, टेस्ट वाले क्लास में तो वही मेथड नहीं है, टेस्ट वाला क्लास तो पूरा खाली है, उसमें तो हमने पास दे दिया है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। कैसा है, तो कि हमने यहाँ पे क्रिकेट में, अलग क्रिकेट में नहीं, पैकेट्स में क्या दिया है, तो कि पेरेंट जो क्लास है उसका नाम, यानी कि उसकी जो दो मेथड थी अभी वो दो मेथड टेस्ट क्रिकेट को भी लागू होती है। ठीक है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे इनहेरिट हो गई, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, नाउ वी वॉन्ट टू एड द इनिट फंक्शन टू द चाइल्ड क्लास इंस्टेड ऑफ पास कीवर्ड, यानी कि हमने जो चाइल्ड क्लास था टेस्ट वाला उसमें हमने पास कीवर्ड दे दिया था, क्यों, क्योंकि हमें उसमें कुछ लिखना नहीं था, लेकिन अगर हमें इनिट मेथड जो लिखनी है तो हम पास की जगह क्या दे देंगे, इनिट मेथड लग देंगे। फिर नीचे लिखा है, वेन वी एड इनिट इन चाइल्ड क्लास इट विल नो लॉन्गर इनहेरिट द पेरेंट इनिट फंक्शन, यानी कि जब भी हम चाइल्ड क्लास में इनिट वाली मेथड ऐड कर देंगे, मान लो यहाँ पे चाइल्ड क्लास में पास की जगह मैंने इनिट वाली मेथड ऐड कर दी। ठीक है, यही मेथड मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल C करके और कंट्रोल V करके,
अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो टेस्ट कल की क्लास की इनिट मेथड है वो अभी क्रिकेट की इनिट मेथड को ओवर ऐड कर देगी। यानी कि अब हम जिसमें इसमें मान लो कोई ऐड कर देंगे रन और एक और पैरामीटर मान लो हमें ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अब क्रिकेट का उससे कुछ नाता नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि ये प्लेयर मेथड है वो तो इनहेरिट हो ही रही है, सिर्फ हमने इनिट मेथड ही ओवरराइट की हुई है। फिर यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड फंक्शन ओवरराइड द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स फंक्शन, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया। टू कीप द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट इनिट फंक्शन एड अ कॉल टू पेरेंट्स इनिट फंक्शन, यानी कि मान लो हमने यहाँ पे लिख तो दिया इनिट वाला, लेकिन हमें जो पेरेंट का इनिट वाली थी उसको भी साथ में रखना है, तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इनिट के अंदर भी इनिट लिखना है। कैसे लिखना है, तो मैंने इससे नीचे आ जाना है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, तो कि जो किस क्लास की हमें इनिट रखनी है, क्रिकेट वाली, ठीक है, तो क्रिकेट डॉट, यहाँ पे मैंने नोट्स में सही से लिखा हुआ है, क्रिकेट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर ब्रैकेट में क्या दे देंगे, तो वो तो आपको पता है, वो ब्रैकेट कहाँ चले गए, ब्रैकेट में क्या दे देंगे, सेल्फ नेम और रन, ठीक है, और इसके बाद हम जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। कहाँ चला गया ये सब, क्या हो गया, सेल्फ डॉट नेम इनिट, ओ भाई यहाँ पे लिखना था, ये सेल्फ वाला है ना, ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और हमें लिखना है इनिट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लग दिया, और इसके बाद कॉलम कर देंगे और ये कॉलन मिटा देंगे, और ये जो है उसको हमें यहाँ के नीचे लिखना होगा ताकि हमारा जो इंडेंटेशन है वो सही रहे, ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ कट, और यहाँ के नीचे दे देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अभी हमने दोनों मेथड कर दी है ओवर है, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट करना आपको जरूरी है, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया या फिर अगले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके, मेल करके, डीएम करके, कुछ भी तरीके से आप मुझे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड।